अभी मैं YouTube में एक वीडियो देख रहा था ना, का खा गा घा मा धा फा। हर दिन का काम होता है सुबह सुबह उठ के पैरों में पानी देना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम होता है। सुबह सुबह मन फ्रेश होता है और इससे कुछ मतलब साइकोलॉजिकल फैक्ट भी बहुत कुछ है। मैं एग्जैक्ट बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं उतना ज़्यादा साइकोलॉजी में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, सो मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन बहुत कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट है, बहुत कुछ अच्छा चीज़ भी होता है पैरों में पानी देना। सबसे अच्छा चीज़ है, आपके साथ पैर भी अगर जी रहा है तो ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ रहा है, तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। और इसके साथ साथ बारिश भी देखो शुरू हो गया है, अभी थोड़ी देर पहले धूप था, अभी बारिश शुरू हो गया। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, आपका यूट्यूब चैनल वॉन्ग बाइसेप। ये सामान को मैं ये घर में लेके आया, मतलब कुछ तो काम है इसका। सो काम जो है इसका मेन चीज था ये जो रिंग लाइट था, आप लोग दिखाई देगा अभी, मैं इसको ठीक कर लिया ऑलरेडी। सो ये जो पार्ट था ना, ये पार्ट बेसिकली ब्लर हो जा रहा है, ये जो पार्ट था ना दिखाई देगा अभी, थोड़ी देर में ब्लर हो रहा है एक्चुअली। देखो अभी कैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये एक्चुअली टूट गया था, कैसे टूटा है मेरे को पता नहीं, लेकिन ये एक्चुअली टूट गया था। तो इसको फेविक्विक डाल के मैं सेट कर दिया, अभी इसको इसमें सेट करना है। मैं इसको सेट करता हूँ, पहले देखता हूँ ये सेट होता है कि नहीं, क्योंकि मेरे को अभी तक भरोसा नहीं है कि हुआ है कि नहीं, फिर भी देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को जितना जॉइंट से लगता है तो हो गया है, क्योंकि मेरे को दिखाई देता है कि ये ठीक ठाक से जॉइंट हो गया पूरा हार्ड टाइप का, लेकिन फिर भी इसमें एक बार मैं जॉइंट करके देख लेता हूँ कैसा है। चलो फाइनली ये वाला सेट हो गया और फिट फाट एकदम फाइन सेट हो गया है ये वाला। तो आए दिन मैं नया नया नुस्खे ट्राई करता रहता हूँ, तो इतना दिन में जाके, एक साल में जाके एक नुस्खा मेरा हाथ में जाके लगा है, जो वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा है, एसिडिटी वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब हर एक चीज़ का मेडिसिन है, मतलब अमृत बोल सकते हो, एक बात में अमृत बोल सकते हो उसको, मतलब इतना अच्छा उसका, मतलब क्या बोल सकते हैं, यूजेस करने के बाद उसका जो फल मिलता है ना, इतना अच्छा है वो। सो मैं उसको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को एक सब्सक्राइब और ये वीडियो को एक लाइक करो, और वीडियो में थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या रेमेडीज़ है मैं यूज़ करता हूँ डेली सुबह सुबह, लेकिन ये रेमेडीज़ डेली सुबह खाली पेट मतलब एम्प्टी स्टोमैक में लेना है, तो जाके ये काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। सिर्फ नुस्खे मेंटेन करके किसी का मतलब एसिडिटी कम नहीं हो सकता, किसी का वेट लॉस नहीं हो सकता। नुस्खे मेंटेन करने के लिए हर 3 घंटे में खाना पड़ेगा, जो खाना आप 4 बार खाते हो उसको 6 बार खाओ, मतलब 4 बार जो खाते हो उसको आधा कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड करके उसको 6 बारी में खाओ, थोड़ा थोड़ा करके खाओ। उसमें क्या होता है, बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन मिलेगा, जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जितना हेल्दी फैट चाहिए उतना मिलेगा, और वो अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा। तो इसमें आपको क्या होगा, वेट लॉस भी अच्छे से होगा एंड आपका एसिडिटी नहीं होगा। सिर्फ नुस्खे फॉलो करने से नहीं होगा, ये सब चीज़ को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एक फैक्ट है, फैक्ट के हिसाब से कहा जाता है कि एक इंसान को उसका जितना वेट है, मतलब पकड़ लीजिए मेरा अगर वेट है 80 kg, तो 80 kg के हिसाब से उसका उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए, मतलब मेरा वेट अगर 80 kg है तो मेरे को 80 ग्राम प्रोटीन डेली रूटीन में मेरे को चाहिए। इससे अगर ज़्यादा हो गया, मतलब पकड़ लीजिए 80 kg मेरे को चाहिए, 80 kg के हिसाब से 80 ग्राम प्रोटीन मेरे को चाहिए, अभी उसमें क्या हो गया कि मैंने 95 ग्राम्स प्रोटीन दे दिया, तो प्रॉब्लम है, बहुत साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा,
और अगर 65 ग्राम्स हो गया तो भी साइड इफेक्ट है। सो ये मेंटेन करना, ये जो प्रोटीन का बैलेंस है ये अगर आप ठीक से मेंटेन कर लोगे तो 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो ही जाएगा। सुबह सुबह नींद से उठ के दो चीज मैं तो करता हूँ, एक तो जो हेल्दी आदत है वो मैं करता हूँ, दूसरा ब्रश वगैरह ये सब कुछ कर लेता हूँ, ऑफिस जाने के लिए रेडी वगैरह सब कुछ हो जाता हूँ, और एक चीज जो है कि मुंबई का निखिल सर का व्लॉग देखना, वो भी 4K में। बेसिकली मेरा लैपटॉप भी है 4K सपोर्ट, मेरा फ़ोन भी है 4K सपोर्ट, सो इसीलिए 4K में ब्लॉग देखता हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है और डिटेल में दिखाई देता है। सच्ची में निखिल सर जो बोलता है करके दिखाता है। तो ऐसा बाहर में बारिश चल रहा है, ऐसा ठंडा ठंडा आरामदायक वेदर है और मैं वीडियो ना बनाऊँ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। एक्चुअली अभी मैं YouTube में एक वीडियो देख रहा था, का खा गा घा मा धा फा का, हनी सिंह का नया गाना आया है, जस्ट नेल्ड इट, मतलब ख़त्म कर दिया पूरा, मतलब एकदम दिखा दिया कि हाँ हनी सिंह है, पूरा अलग ही। मैं बोलूँगा आप लोग जाओ एक बार गाने को देखो, खतरनाक बनाया, लेकिन गाना का मीनिंग अलग है, आप अगर अलग मीनिंग से लोगे तो अलग समझेगा, इसलिए मैं पार्ट पार्ट करके बोला का खा गा गा मा धा फा का, लेकिन ये जब एक साथ सुनोगे ना अलग ही टाइप का लगेगा। सो एक साथ सुनने के लिए अभी जाओ यूट्यूब में का खा गा हनी सिंह का सॉन्ग नया निकला है, एक बार सुन लो। ऐसा बारिश में दो ही चीज़ का रिक्वायरमेंट है, एक तो एक गरम गरम चाय, उसके साथ थोड़ा सा गरम गरम बेसन से बनता है, बेसन प्याज और थोड़ा सा मिर्ची देके एक पकोड़ा बनता है, खतरनाक। पूरा बारिश एंजॉय करने के लिए तो खतरनाक, और यहाँ पे थोड़ा सा अगर पैसेज, ये जगह का थोड़ा सा पैसेज बड़ा होता ना, एक चेयर लेके आराम से यहाँ पे बैठ जाओ, बैठ के गरम गरम चाय और उसके साथ गरम गरम पकोड़ा, बहुत अच्छा लगता है। शाम को, अभी नहीं शाम को अच्छा लगेगा, अभी नहीं, अभी तो थोड़ा खाना खा के ही उठा हूँ, मेरे को खाना मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा बोलोगे फिर से कि मैं सुबह ही बोला कि ऐसा मेंटेन करने के लिए अभी फिर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, 3 घंटा बाद मतलब शाम को खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। शाम को गरम गरम चाय का चुस्की का जो मज़ा है ना, वो किसी चीज़ में नहीं, उसके साथ ऐसा वाला वेदर मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो जब तक मैं बारिश को एंजॉय कर रहा हूँ तब तक एक छोटा सा टाइम लैप्स आप एंजॉय कर लो, जो मैं आज एयरपोर्ट जाते टाइम बनाया था, बहुत ही अच्छा निकला। वो टाइम में बैक एक्चुअली क्या हो रहा था, फ्लाइट फ्लाई कर रहा था, तो वो टाइम में मैं टाइम लैप्स निकाला, थोड़ा टाइम लैप्स एंजॉय कर लो फिर रिटर्न आते। टाइम लैप्स कैसा लगा, अंडमान का एयरपोर्ट कैसा लगा थोड़ा कमेंट में बता दो, बहुत ही अच्छा होता है। और कमेंट जब खोलोगे थोड़ा लाइक का बटन दबा दो, और उसके थोड़ा सा नीचे देखो एक लाल वाला बटन है, उसको भी थोड़ा कृपा करके दबा दो, और उसका साइड में देखो एक बेल बटन है, उसको भी दबा दो, एटलीस्ट ना थोड़ा अच्छा लगता है, सच्ची बोलने से भाई थोड़ा सा अच्छा लगता है। मेरा हेल्दी डाइट लिस्ट का और एक चीज़ यहाँ पे अभी बन रहा है, जो है चिकन स्टू। मैं एवरी डे नाइट को मैं ये वाला लेता हूँ, मतलब ये वाला पीता हूँ स्टू, जो होता है चिकन स्टू। यहाँ पे चिकन ऑलरेडी भीग रहा है, मतलब इसका बर्फ़ में था वो, अभी थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में हो रहा है, यहाँ पे ये सब्ज़ी पक रहा है। सो ये नॉर्मल सिंपल, इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालूँगा, थोड़ा सा नमक डालूँगा, नमक में ये वाला ब्लैक सॉल्ट एक्चुअली मैं डालने वाला हूँ इसमें, सो ये डाल दूँगा और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और फिलहाल ये जब तक पक रहा है सो आप मेरा वीडियो देखो, थोड़ा सा पको, थोड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में।